हॉस्पिटल मैनेजमेंट बीएससी के बाद अगर आप आगे एक्सपीरियंस आपको उसमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट फील्ड में जाना है तो यू कैन डू एमबीए हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट। प्रिफरेबली वही है कि एमबीए करना फुल टाइम अच्छा रहेगा। अगर ड्यूरिंग योर जॉब अगर आपको 2 साल जॉब छोड़ के वो नहीं करना है then you can do distance learning postgraduate diploma in hospital and healthcare management. Hospital management अगर आपने किया है after BSc nursing तो आपके लिए different role ये हो सकते हैं nurse administrator, quality nurse का काम ये होता है NABH में जितने भी audit reports होते हैं nursing के जितने भी quality protocols होते हैं ना उसका implementation assessment के through होता है। मतलब implementation जो भी कर रहे हैं staff वगैरह जैसे जितने भी documents होंगे quality nurse का overall hospital में एक role होता है कि nursing के related जो भी SOPs है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको बनाना। एसओपी का मतलब कोई भी पेशेंट आया तो आप एसेसमेंट क्या करोगे स्टेप 1 2 3 4 क्या फॉलो करना है वो सबको वही फॉलो करना है तो उसका एक डॉक्यूमेंट बनता है पॉलिसी समझ लो तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी नर्स का होता है। दूसरा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर जॉब एंड फोर्थ एस्पेक्ट फैसिलिटी मैनेजमेंट में लाइक हॉस्पिटल फ्लोर एडमिनिस्ट्रेटर फ्लोर कोऑर्डिनेटर क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर ये रोल आपको एक वार्ड असाइन कर दिया जाएगा और आप वहां पे डेजिग्नेशन कोई भी हो सकता है फ्लोर कोऑर्डिनेटर क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर जो भी है एग्जीक्यूटिव हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट डेजिग्नेशन है पर आपको वो डिपार्टमेंट मैनेज करना है। वो डिपार्टमेंट हो सकता है ऑपरेशन थिएटर भी हो वो डिपार्टमेंट कैथ लैब भी हो सकता है आईसीयू भी हो सकता है पर्टिकुलर वार्ड हो सकता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो सकता है कुछ। अब उस डिपार्टमेंट में जितने भी ऑपरेशंस है उसमें जितने भी हॉस्पिटल की पॉलिसीज और एसओपीज है वो आपको फॉलो करवानी है पेशेंट की कंप्लेन है पेशेंट का सब प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट जा रहा है स्टाफ का जितने भी स्टाफ है उनका ड्यूटी रोटेशन आपको मैनेज करना है जितने भी रजिस्टर्स है और फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स है उसको चेक करना कि ये प्रॉपरली फिल हो रहा है नहीं हो रहा है पेशेंट के डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं तो इस टाइप का वर्क होता है। ऑडिट रिपोर्ट्स बनाना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आपको किसी भी पेशेंट को वहां पे इंजेक्शन नहीं देना है पर जो भी पर्सन उसको इंजेक्शन दे रहा है वो आपको ऑब्जर्व करना है कि वो प्रॉपर टेक्निक्स इंजेक्शन दे रहे हैं कि नहीं है सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए है कि नहीं है। अगर वो हाई अलर्ट मेडिसिन है तो उसमें मिनिमम 2 पर्सन रिक्वायर्ड है ऐसा NABH प्रोटोकॉल है तो वो आपको एंश्योर करना है कि वो प्रैक्टिस ऐसे ही फॉलो हो।